नमस्कार, TV24 के हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकृति शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जापान में भयानक भूकंप के बाद आई सुनामी, 40 लाख घर हुए तबाह, संचार सेवा भी हुई था। जाट आरक्षण की मांग हुई तेज, सिवानी मंडी में तीसरे दिन भी हिसार सादुलपुर मार्ग रहा जाम। नाबार्ड ने लाडवा के एक गांव को लिया गोद, उत्थान योजनाओं का जल्द होगा श्री गणेश। और अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर जापान से है, जहां 150 साल में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। शुक्रवार को 8.9 की तीव्रता से एक जोरदार भूकंप आया। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में सुनामी भी आ गई और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। सुनामी के मद्देनजर टोक्यो में भी सभी इमारतें खाली कराई गई और पांचों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। सरकार ने राहत और बचाव का काम युद्ध के स्तर पर शुरू कर दिया है। जापान में तबाही का ये ऐसा भयानक मंजर है जिसे शहर के लोग शायद ही भुला पाए। जापान के इस शहर में कैसे गाड़ियां पानी में डूबी पड़ी हैं, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सब और पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहां सुनामी के चेतावनी के चलते लोगों को दूसरे इलाकों में भेज दिया गया था। इस सुनामी के चलते यहाँ 40 लाख घरों को नुकसान बताया जा रहा है और यहाँ की मोबाइल पूरी तरह से ठप पड़ गई है। तो संदई में बंदरगाह डूब गया है। भूकंप के बाद यहाँ की तेल रिफाइनरी पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी है। सुनामी का कहर इस तरह बरपा कि यहाँ के सभी एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए हैं और सारे यातायात ठप पड़े हैं। यूएस ऑफिशियल के मुताबिक यह सबसे बुरा नजारा था उनके 20 सालों के दौरे में। जापान का ये उत्तरी पूर्वी का समुद्री इलाका जिसे सानरिको कहा जाता है, पिछले कई सालों से भूकंप व सुनामी की त्रासदी झेल चुका है। ये भयानक मंजर 150 सालों का सबसे भयानक मंजर था। वहां बुधवार को 7.2 रिक्टर स्केल भूकंप दर्ज किया गया था। वर्ष 1933 में 8.1 रिक्टर स्केल से आए भूकंप ने 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि पिछले साल आई सुनामी में यहां फिशिंग सुविधा तबाह हो गई थी। जापान में भूकंप आना आम बात है, क्योंकि ये विश्व के भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इस सुनामी से बहरहाल रूस, मार्कोस आइलैंड, मैरियाना, गुआम, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया व यूएस की हवाई को भी खतरा बताया जा रहा है। फिलहाल इस सुनामी से भारत को कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। सुनामी के चलते टोक्यो में भी सभी इमारतें खाली कराई गई हैं। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का कहर इस तरह बरपा कि घर, कारें, लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें इस तरह पानी की चपेट में आ गई जैसे कि मानो कि सभी ताश के पत्ते हों। जापान में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसके बाद समुन्द्र में 13 फीट ऊंची पानी की लहरें उठी। तटीय इलाकों में छोटी सुनामी की लहरें उठी। जापान के उत्तरी पूर्वी इलाके में बुरी तरह से सुनामी का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से सब कुछ पानी में बहता जा रहा है। टोक्यो में भी सभी इमारतें खाली कराई गई हैं। जापान के पांचों परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद किए गए हैं। कई इमारतें हाईवे सुनामी की चपेट में हैं। जापान का फुकुशिमा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उत्तरी जापान में कई जगह आग लगने की खबर मिल रही है।
जी हाँ, कई इमारतें भूकंप के चलते आग की चपेट में भी आ चुकी हैं। कसेनुमा शहर में एक जहाज पूरी तरह से सुनामी की चपेट में आने से बह गया। जापान में कई बड़े एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। टोक्यो में सुनामी के चलते सबवे बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से सुनामी जापान में कहर भरपा रही है। जापान की सरकार ने सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया है लोगों की सुरक्षा के लिए। जापान में सुनामी का कहर इस तरह भर रहा है कि जान माल की हानि का जायजा करना भी बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जापान पूरी तरह से तबाह होता नजर आ रहा है भूकंप के बाद। जी हाँ, 8.9 रेक्टर के स्केल पर भूकंप दर्ज किया गया है, जो बड़ी ही तेज गति से आया था। 1933 में 8.1 रेक्टर स्केल से आए भूकंप में 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, पर लगता है 150 वर्षों के बाद ये भूकंप उस भूकंप से भी कई गुना ज्यादा कहर भर पाएगा। जापान में भूकंप आना आम बात है, क्योंकि ये विश्व के भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इस सुनामी से बाहर रूस, मार्कोस आइलैंड, मैरियाना, गुआम, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया व यूएस की हवाई को भी खतरा बताया जा रहा है। जापान के शहर में कैसे गाड़ियां पानी में डूबती नजर आ रही हैं और कैसे डूबी पड़ी हैं, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल यहां सुनामी की चेतावनी के चलते लोगों को दूसरे इलाकों में पहले से ही भेज दिया गया था। इस सुनामी के चलते 40 लाख घरों को नुकसान बताया जा रहा है और यहां की मोबाइल सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इतना ही नहीं, सुनामी के चलते एयरपोर्ट भी अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, जिससे कि हवाई यातायात ठप पड़ा है। यूएस ऑफिशियल के मुताबिक ये सबसे बुरा नजारा था और उनके 20 सालों के इस दौरे में उन्होंने ये नजारा पहली बार देखा। जापान का ये उत्तरी पूर्वी का समुद्री इलाका, जिसे सानरिको कहा जाता है, पिछले कई सालों से भूकंप व सुनामी की त्रासदी झेल चुका है। और जहां पर बुधवार को 8.9 रिक्टर स्केल भूकंप दर्ज किया गया था, जिसके बाद सुनामी की 13 फीट ऊंची लंबी लहरें उठी। जिसके चलते ये भयानक मंजर देखने को मिल रहा है और ये लहरों ने किस तरह कहर भर पाया है जापान पर, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर।
जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन आज भी जारी रहा। सिवानी मंडी में रेलवे ट्रैक पर बैठे जाट समुदाय ने मांग की कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। इस बीच अनशन पर बैठे दो किसानों की हालत गंभीर हो गई है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने गत दिवस अपनी मांगों को लेकर सरकार को 24 घंटे का समय दिया था। मांगे न माने जाने पर हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने वाले हिसार सादुलपुर रेलवे मार्ग को सिवानी में जाम करने की चेतावनी दी थी। इसी को लेकर ही बुधवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान राम कुमार ने धुओं की अध्यक्षता में सिवानी के गाँव मोतीपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर धरना किया गया। हमने राजगढ़ से हिसार रेलवे ट्रक को जाम कर रखा है। जब तक सरकार, राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार जाटों का आरक्षण का देने का ऐलान नहीं करेगी, जब तक हम इस रेलवे ट्रक को नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे गांव सिवाच के रामानंद एवं ढाणी मीरान के फूल सिंह की हालत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद समुदाय के लोगों ने उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। 5 दिन से जो रेल ट्रक जाम कर रखा है, इस रामानंद सिवाच और फूल सिंह ढाणी मीरान जो ये हमारे यहाँ आमरण अनशन पर बैठे थे, आज इनकी तबीयत बिगड़ गई और आज अभी इसी तुरंत अभी इनको हम जो है ना सिविल हॉस्पिटल सिवानी ले जा रहे हैं। TV24 के लिए सिवानी मंडी से विकास असीजा की रिपोर्ट। हरियाणा बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए TV24।